Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. शेयर बाजार में बहार है, रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी नए हाई बना रहा है। कुल मिलाकर बाजार में सिर्फ हरियाली ही देखने को मिल रही है। ऐसे में जब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी लगभग हर रोज नई ऊंचाई दर्ज कर रहे हैं, देश में इक्विटी निवेश का चलन भी बढ़ रहा है, क्योंकि नए राज्यों और शहरों में शेयर बाजारों के प्रवेश करने वाले निवेशकों की संख्या में जोरदार बढ़त दर्ज की गई है। BSE और NSE के आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों के साथ मुंबई और अहमदाबाद जैसे ट्रेडिशनल हॉटस्पॉट में अभी भी सबसे ज्यादा निवेशक हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंदौर, जयपुर, हैदराबाद, राजकोट और पुणे जैसे शहरों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी शेयर बाजार के निवेशकों की संख्या में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। यानी कुल मिलाकर निवेश और शेयर बाजार को लेकर अब काफी क्रेज देश के हर राज्य में देखने को मिल रहा है। BSE के आंकड़ों से पता चलता है कि लद्दाख में 370.57%, मिजोरम में 81.10%, अरुणाचल प्रदेश में 62.19%, लक्षद्वीप में 61.78%, त्रिपुरा में 56.10%, जम्मू कश्मीर में 53.79%, नागालैंड में 52.95%, अंडमान और निकोबार में 49.51% और बिहार में 49.41%। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले एक साल में नए निवेशकों की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। निश्चित रूप से इनमें से कई राज्यों को लो बेस इफेक्ट से लाभ हुआ, जबकि त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और बिहार में पहले से ही निवेशकों की अच्छी संख्या है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए क्योंकि भारतीय शेयर बाजार मौजूदा कैलेंडर वर्ष में वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से है। डॉलर्स में मापा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 10% की बढ़त हुई है, जो उभरते बाजारों में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि BSE में अगर कुल निवेशकों की संख्या देखी जाए तो महाराष्ट्र अभी भी 3.35 करोड़ निवेशकों के साथ टॉप पर है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जहां 1.97 करोड़ निवेशक हैं। गुजरात में 1.68 करोड़ निवेशक हैं। राजस्थान की बात की जाए तो यहां 1.08 करोड़ निवेशक और पश्चिम बंगाल में 1.01 करोड़ निवेशक हैं। आपको बता दें कि ये देश के केवल 5 राज्य हैं जिनमें 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं। चलिए अब थोड़ी बात NSE की भी कर ली जाए तो NSE में नए निवेशक जुड़ने के मामले में टॉप 10 जिलों की सूची में दिल्ली और मुंबई पहले स्थान पर रहे हैं। उसके बाद बैंगलोर, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, उत्तर 24 परगना, नागपुर और कोलकाता का स्थान रहा। राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश मई में 2,60,000 नए रजिस्ट्रेशन के साथ टॉप पर रहा है, जिसने महीने दर महीने 15.5% की वृद्धि दर्ज की। अगर डेटा के मुताबिक जाया जाए तो जून में 42.4 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट देश में ओपन हुए हैं। ये 4 महीने का हाईएस्ट लेवल है। इस वजह से डीमैट अकाउंट की टोटल संख्या बढ़कर अब 16.2 करोड़ से ज्यादा हो गई है। ये पिछले महीने की तुलना में 4.24% और जून 2023 की तुलना में 34.66% ज्यादा है। 4 महीने पहले फरवरी में 43 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे, मार्च में 31,30,000, अप्रैल में 31 लाख और मई में 36 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए। वहीं पिछले साल जून 2023 में 23,60,000 डीमैट अकाउंट खुले थे। चौथी बार नए डीमैट अकाउंट्स की संख्या 40 लाख के पार हुई है। एनालिस्ट की माने तो बाजार स्थिर है। नई सरकार बनने के बाद इसकी निरंतरता पर भी भरोसा बना हुआ है। ये स्थिरता निवेशकों को इक्विटी बाजारों की ओर आकर्षित कर रही है और लगातार इसीलिए बाजार में निवेशकों की संख्या में बढ़त देखी जा रही है।